नमस्कार जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। वाराणसी से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी विवाद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि कोर्ट ने शिवलिंग को सुरक्षित और संरक्षित करने का यहाँ पर आदेश दिया है। शिवलिंग वाली जगह को सील करने का भी आदेश दे दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कोर्ट ने शिवलिंग को संरक्षित करने का आदेश दिया है। डीएम कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडो को ऑर्डर दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। श्रृंगार गौरी विवाद से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर जनतंत्र टीवी आप तक पहुंचा रहा है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि कोर्ट ने शिवलिंग को सुरक्षित करने का आदेश दे दिया है। शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दिया गया है। डीएम कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडो को आदेश जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट जनतंत्र टीवी पर आप देख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ओम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। ओम का रुख करते हैं। ओम, शिवलिंग वाली जगह को सील करने का आदेश दे दिया गया है, ऑर्डर दे दिया गया है, क्या कुछ और जानकारियां सामने निकल कर आ रही है? लगातार 3 दिन से ज्ञान वापी पे सर्वे चल रहा था और जिस तरह से हरिशंकर जैन की तरफ से एक याचिका जो है वो कोर्ट में दी गई थी, उसी आधार पर जो वादीगण है उसमें से अधिवक्ता हरिशंकर जैन की ओर से जब प्रस्तुत कार्रवाई पर कहा गया कि पत्र संख्या जो है वो 78 का वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर कहा गया कि आज दिनांक 16/5 को शिवलिंग मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर दौरान कमीशन पाया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाए या कि वह इसे सील कर दें। जिलाधिकारी बनारस को आदेशित किया गया वह मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो, मात्र 20 मुसलमानों को भी नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए और उन्हें वजू करने को भी तत्काल रोक लगा दी जाए। इस प्रार्थना पत्र को माननीय कोर्ट के सामने समक्ष सीजीएम कोर्ट सिविल जज कोर्ट के सामने रखा गया था, जिस पर एक आदेश हुआ है। आदेश में साफ तौर से जिला मजिस्ट्रेट बनारस को आदेशित किया गया है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान को किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट बनारस, पुलिस कमिश्नर वाराणसी तथा सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को यह आदेशित किया गया है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने का पूर्णतया व्यक्तिगत जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारियों की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा आदेश जो है वो कोर्ट की तरफ से दिया गया है और अब एक बड़ी निर्देश के तौर पर माना जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से सर्वे का काम चल रहा है तो तमाम साक्ष्य और सबूत जो है वो निकल के सामने आ चुके हैं। यही वजह है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि वहाँ स्वास्तिक जो दीवाले हैं उनमें तमाम जो आकृतियां सनातन धर्म की और हिंदू देवताओं की खंडित मूर्तियां, और उसके बाद एक ऐसा स्थान जहाँ पर ये जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर शिवलिंग होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं, यही वजह से इसको लेकर के बनारस न्यायालय कोर्ट में ले जाया गया और न्यायालय ने इस पर एक आदेश दे दिया है। जी ओम, इस तमाम जानकारी के लिए और जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड द जनतंत्र टीवी ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।